ये तो मंजी की थे। लोग क्या कहेंगे, एक प्रश्न है। अब आप उस लक्ष्मण रेखा को पार कर चुके हैं जहां ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। हेलो, अब प्रश्न ये है कि अगर नाकाम लौटे तो लोग क्या कहेंगे। न मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे। यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो हूं सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है लेकिन, ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है लेकिन, कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। वाह। यूं ही नहीं है आए तुम जिंदगी में मेरी, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। मरहले उतार चढ़ाव। इश्क की राहों में गुजरेंगे हजारों हादसे, हार कर वो जीत के मैदान होते जाएंगे। जीत लूंगा मैं जहां की मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर सभी इंसान होते जाएंगे। हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। पता क्यों, आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। सो मुझे जिस जहां से मुझे शुरू करना था अपनी बात को, कैस साहब ने मेरा हौसला बढ़ाया कि उसी टॉपिक को उन्होंने छुआ, एंड दैट इज द अल्टीमेट मैसेज फ्रॉम दिस ग्रेट इवेंट। जिंदगी है, डेल कार्नेगी की एक और किताब है जिसमें वो लिखते हैं कि इफ यू आर वरिंग अबाउट समथिंग, असेस द अल्टीमेट लॉस फर्स्ट। आप किसी चीज को लेकर चिंतित हैं तो आप असेस करें कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। हेलो, एंड कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज, उसके बाद आपको चिंता नहीं होगी। क्यों जी, है ना? तो दो तीन स्टेजेस हो सकती हैं। कुछ लोगों को बिना किए मिलेगा, पहली स्टेज। कुछ लोगों को करके मिलेगा और कुछ को करके भी नहीं मिलेगा। हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन जहां पे ये बात आती है कि करके भी नहीं मिलेगा, इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आपने ठीक से किया है और नहीं मिला, तो ये जो करने का प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो आपको दे जाएगा, वो मिलने से भी ज्यादा हो सकता है। क्योंकि जिंदगी में पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। और आदमी रास्ते में बनता है, मंजिल में तो जाके अलसाता है केवल। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेहनत, अगर हम आप 18 घंटे काम करें, अपने आप को मैनेज करें, शेड्यूल्ड करें, स्क्यूज करें अपनी टोटल एनर्जी को, मे भी वो ना मिले, लेकिन अगर 18 घंटे की आदत हो गई तो हेलो, जिसको भी छू दोगे सोना हो जाएगा। जिंदगी लंबी है, बहुत सारे काम है। अगर 2 साल 18 घंटे 20 घंटे काम किया, आपने आपको अच्छा रखा, अंदर से बाहर के सबसे शुभ चिंतक, आपको इस बिजनेस से कोई उपलब्धि, आई डोंट बिलीव कि ऐसा होगा, अगर हो तो, अगर आपका ये वहम है, लेकिन आप बन गए, पक गए उस उन आदतों के साथ, फिर आप कुछ भी करिए। एग्री करते हैं? बी समथिंग एक्शन। क्या साहब ने अभी क्या बोला, एक्शन। हम लोग चिंता करते हैं ढेर सी, 3 घंटे परिचर्चा, प्लानिंग करते हैं ढेर सी, लेकिन प्लान कितना दिखाते हैं। जहां से अल्टीमेट कुछ निकलना है, आपका बिजनेस है, एक वर्ल्ड है, एक तोता, वो पलेगा फूड। फूड क्या है, प्लान। 6 basic 8 core steps, टेप्स, बुक्स, मीटिंग, ब्ला 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 ब्ला, हर चीज वाइटल है, बट वर्ल्ड फूड इज व्हाट,
प्लान एक्सपोजर। अगर एक्सपोजर कम है, मेन कंटेंट कम है जिससे टोटल रिजल्ट आना है, बात नहीं बनेगी। मीटिंग आपको किसी और दिशा में अच्छा कर सकती है, टेप आपको किसी और दिशा में अच्छा कर सकती है, किताब आपको और दिशा में अच्छा कर सकती है, लेकिन आपका बिजनेस बड़े, इनकम आए, प्लान। एक आदमी ने मार्केट से एक तोता खरीदा, पिंजरा ले गया, घर पे लेके आया, तो दुकानदार ने उसको बोला होगा कि ये बोलेगा, तो वो बोला नहीं। अब दुकानदार जैसे होते हैं आपको पता है, तो उसको शिकायत करने गया अगले दिन कि ये तो बोला नहीं। बोले बोला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सीढ़ी ले जाओ, 5 रुपए की सीढ़ी है, इसको पिंजरे के अंदर ऐसे लगा देना, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर बोलेगा। उसने लगाई उसमें सीढ़ी, वो नहीं बोला। फिर गया अगले दिन, शिकायत की, बोला नहीं। बोला नहीं बोला, नो प्रॉब्लम, ये घंटी ले जाओ, टांग दो, वो ऊपर नीचे आएगा, घंटी हिलेगी, घंटी बोलेगी टन टन टन, तो उसकी टोन में शायद ये बोलेगा। घंटी लगा दी उसमें, फिर गया शिकायत। बोला नहीं ऐसे नहीं, ये घुंघरू ले जाओ, उसके पांव में बांध दो, जो ऊपर नीचे होगा, हिलेगा, आवाज आएगी, ये बोलेगा। He bring lot many things day after days. तो 8वें दिन सुबह जब उस पिंजरे के पास गया, तो तोता जो है वो बिल्कुल मरण आसन पे था। और उस दिन वो शिकायत करने गया उसको, दुकानदार को, कि तोता तो मर गया। बोला बोला नहीं, बोला मरने से पहले बोला था। बोला क्या बोला? बोला वो बोला तू इतने दिन इतने काम तूने किए, ये लाया वो लाया, ऐसा किया वैसा किया, थोड़ा सा खाना नहीं ला सकता था? World food is plan. Feed him. If you won't feed him, he won't survive. He can't bring anything. Action. Action supersede everything. आप action करेंगे तो action हर बीमारी का इलाज है, हर चिंता का इलाज है। काम में जुट जाए, मैंने पंजाब में ये सुना है कि बुखार चढ़ा, कोई बात नहीं, कहीं फड़ला, हलो फड़ला हल्दी मुन्नी, बुखार दी ऐसी तैसी, क्यों जी? 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं, अब तो फैशन हो गया, पता नहीं कि लोग बुखार को कैसे हटाते हैं। समटाइम हार्ड वर्क करें सारी चिंताएं। डांस इज हार्ड वर्क, यू नो, 2 घंटे दिमाग ही टिकाने नहीं आता किस दुनिया में है। आप एक्शन करेंगे, 3 चीजें होंगी, समटाइम यू लर्न, समटाइम यू अर्न। अगर दोनों चीजें नहीं हुई, यू विल पुल योर मसल, ग्रो योर बॉडी। हेलो, क्योंकि ये एक्शन है, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। और एक कहावत है कि पूर्व में बोएंगे तो पश्चिम में काटेंगे, आज बोया है तो कल मिलेगा, अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। मेहनत जो है वो कभी कभी भी बेकार नहीं जाती, बेशर्त कि मेहनत हो, जिगरा मर्दाना हो, उम्मीद और होप के साथ, इट विल कम बैक। ग्रुप बनते हैं, लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी वीकनेसेस हैं, यानी बहुत सारे चैलेंज हैं आपके, लोग भी हैं, मीटिंग भी हो रही, सब हो रहा, लेकिन उतने पैसे नहीं बन रहे। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ नहीं है। जब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर ग्रुप को सुधारने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एक्शन, ये ग्रुप है अच्छे से काम नहीं कर रहा, आप बार बार इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हेलो, दिस इज नॉट द राइट वे, इनको सिखाओ समझाओ, बट एक्शन, शो द प्लान, न्यू पीपल। एक नया व्यक्ति आपकी 1000 समस्याओं का हल है। हेलो, हाँ जी, मैंने 8 महीने एक जगह काम किया, समझाया, मैं ना मानू, एक व्यक्ति इधर जोड़ा, इनको भूल गए 6 महीने के लिए। आई एम बिल्डिंग हेयर, ग्रो वॉल्यूम हेयर, दे पीपल हैव टू वर्क इन फ्यूचर, आई नीड वॉल्यूम, मेरे को एक ग्रुप में वॉल्यूम चाहिए। यहां से आए, नत्था सिंह करे या गंगाराम करे, हेलो, यू नीड वॉल्यूम। अगर आप यहां वॉल्यूम जनरेट करते हैं, तो यहां जो मेन 6-7-8 लोग हैं, इनको सुधरना होगा। One new person can sponsor your 1000 weaknesses, 1000 problems. Action, exposure. कहीं से जब बहुत अच्छी अच्छी खबरें आती हैं, रात भी कुछ लोगों ने बोला कि 1 महीने में इतना बिजनेस हमने किया है, इट्स गुड, पर यह जो बिजनेस है, ये बिजनेस इन्फ्लुएंस का बिजनेस है। अगर आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा के, यू नो, ये आप हर महीने नहीं कर पाएंगे। हेलो, इन्फ्लुएंस इज नॉट डुप्लीकेटेबल, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस मेरे पास है वो उन लोगों के पास नहीं है जिनको मैंने इन्फ्लुएंस किया। गॉट इट? हाँ जी। काम वो करना है जो डुप्लीकेटेबल हो सके, जिसको वो आदमी भी कर सके। अगर उनकी रफ्तार वो नहीं होगी, तो आपकी रफ्तार अपने आप कम हो जाएगी। इन्फ्लुएंस जो है वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। कोई पर्टिकुलर स्किल आपका है वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। कोई महारत आपकी है, कोई गुडविल आपकी है,
वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। उससे आप लोगों को लाए वो आपको मदद कर सकती है कि बहुत सारे लोगों को एक जगह लाने में, फिर उनको क्या सिखाया जाए कि वो इसी काम को वो अपने आराम से आगे ले जा सके। किसी भी शहर में मीटिंग होती है, देखिए वीकली मीटिंग फ्लॉप, पहली बार 70 लोग, दूसरी बार 40 लोग, तीसरी बार 30 लोग, फिर 20, फिर 10, फिर डॉक्टर साहब पूछेंगे आऊं, वो कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये सारी एक कड़ी दर कड़ी सिस्टम है। फंडामेंटली सबसे बड़ा काम जो आपको करना है, यदि आप नहीं कर रहे तो ये बिजनेस आवाम का, आम आदमी का बिजनेस नहीं बनेगा। वो चीज है अपने ग्रुप में प्लान श्योर, प्लान दिखाने वाले लोगों का निर्माण, स्पेशल टाइम निकालें उसके लिए। समटाइम कोई व्यक्ति डीप डाउन से आता है, कहता है कि मैं चंडीगढ़ पहुंचा हूं, आपसे मिलना चाहता हूं, ब्ला ब्ला ब्ला, आप मेरे को थोड़ा टाइम दे, चलो एक मीटिंग सेट हुई, हम मिले। तो मैं उससे अगर पूछता हूं कि आप कितने दिन हो गए आपको ज्वाइन किए, ये वो, कहता है 2 महीने हो गए। अच्छा मैं कह लूं चलो, क्या जो मेन बात है बात करने के बाद में, अच्छा ऐसा करते हैं मैं आपको प्लान दिखाता हूं, जो प्लान मैं दिखाता हूं आई ड्रॉ 8 मिनट में। फिर मैं उससे पूछता हूं आप मेरे को दिखाएंगे, आप कैसे दिखाते हैं? आपके ग्रुप में प्लान शोर्स बढ़ने चाहिए। आपके ग्रुप में कितने लोग प्लान दिखाते हैं, कोर स्टेप्स के ऊपर कितने लोगों का फॉलो है, कितने लोग टेप सुनते हैं, कितने लोग किताब पढ़ते हैं, कितने लोग प्लान शो करते हैं, कितने लोग मीटिंग्स में आते हैं, कितने लोग इसके सेंसिटिव पार्ट की गहराई तक समझने की कोशिश में है। ये चीजें आपको चेक करनी है। प्लान शो फंडामेंटली काम अगर स्ट्रांग होगा, फंडामेंटली काम है वर्ल्ड फूड शो द प्लान एक्सपोजर। और सपोज आपका जो ग्रुप है एक टाउन में है, उसमें 10 एक्टिव लोग हैं, वीकली मीटिंग यहां से सपोज 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या इसी टाउन में कहीं भी हो रही है, इस मीटिंग में, वीकली मीटिंग में 100 लोग हों, ये कैसे पॉसिबल होगा कि ये जो 10 एक्टिव लोग हैं ये 10 ही लोग क्या हों, प्लान दिखाने वाले हों। और शाम को 7 से 9 बजे कहां मिलेंगे, किसी ना किसी के ड्रॉइंग रूम में। अब टॉपिक जिसपे मैं मेन आना चाह रहा हूं वो है होम मीटिंग, इसका आधार इस बिजनेस का, क्योंकि होम मीटिंग जो है वो डुप्लीकेटेबल है। एग्जाम्पल से आप ऐसे समझे कि एक व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया, आप एक्साइटेड हैं, आपकी एक्साइटमेंट को उसने ज्वाइन किया, और आप उसको बोलते हैं कि कल वहां मीटिंग है, आप लेके आना 10 लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि नया आदमी में इतनी कुव्वत है कि वो 10 लोगों को ले आए? हाँ जी, वो खुद आ जाए तो शुक्र है। अब आपने बिजनेस एक्सपेंड करना है, आपने उसको कामयाब करना है, उसके नीचे लोगों को ढूंढना है। होम मीटिंग का जो आधार क्या है कि यदि उस व्यक्ति को आप थोड़ा सा समय दें, उसकी लिस्ट बनवाएं, कैटेगराइज करें उनको, उनके बयान पे कॉलिंग कर दें अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो, ठीक है, उन्हें ये बोलें कि परसों शाम को 6 बजे मैं आपके घर आ रहा हूं, आप अपने इन इन दोस्तों को, इन इन रिश्तेदारों को, 5-7 पड़ोसियों को बुला लेना, हम मिलके उनसे बात करेंगे। होम मीटिंग, उस मीटिंग में 15 लोग हो सकते हैं, 15 नए लोगों ने प्लान लिखा जी, क्योंकि उन 15 लोगों को वो कब लेके आएगा मीटिंग में, यू डोंट नो, इस बीच तो वो खुद ही गुम हो जाएगा। और आप अगर उसके यहां मीटिंग करेंगे तो सर्टनली 15 नए लोग प्लान देखेंगे। थोड़ा सा आज का जो माहौल है उसमें मे बी आपका एक दोस्त है, वो आपको मिला, उसने साइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया, लेकिन जैसे वो घर किट लेके जाता है, प्रोडक्ट लेके जाता है, तो घर में नेगेटिविटी है, उसके स्पाउस, उसकी वाइफ कॉपरेट नहीं करती। वाइफ का वैसे ही मानना हो, आप कुछ भी करके जाएं तो वो एक ही बात बोलेगी, जी आप बहुत बोले हो, आप तो ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हो, आप भी ऐसे बोलते हैं अगर वो कुछ करे तो, वाइस वर्सा है, अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग। तो यदि आप उनके यहां एक मीटिंग रख दें, अगर आपको सूचना मिल जाएगी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी उसके यहां है, तो आप एज ए कपल उनके यहां जाए, क्योंकि आपने पहले से प्रोडक्ट यूज किया है, आपको ज्यादा नॉलेज है, और लेडी लेडी को समझा सकती है। अगर ऐसा ना भी हो तब भी आपके जाने से थर्ड पार्टी है आप उनके घर में, उनके घर में एक पॉजिटिव माहौल बनेगा आपके जाने से, और वो लोग 10-15 लोग जो वहां बैठेंगे, अदरवाइज उस व्यक्ति के माध्यम से किसी व्यक्ति को बुला के आप 15 लोगों तक पहुंचेंगे, शायद 15 साल लग जाए इस बात को। तो 10 लोग अगर एक्टिव है एक टाउन के अंदर, और हर शाम वो लोग, आपने इस महीने बिजनेस भेजा 50,000 का, कितनी एप्लीकेशन, 40 एक्टिव लोग, आप कितने हैं, 10 लोगों ने 40 एप्लीकेशन भेजी, मेक श्योर कि अगले 15 दिन में इन 40 घरों में एक एक मीटिंग हो जाए। हाँ जी, ये करना है।
अगर इन 40 घरों में मीटिंग हो जाएगी तो एक मीटिंग में एवरेज 10 आदमी बैठेंगे तो 400 नए लोगों ने प्लान देखा। वर्ल्ड फूड, जहां से एवरेज तेल तिलों से निकलना है, और यहीं पे आपकी बड़ी मीटिंग फेल होती है। वीकली मीटिंग तब कामयाब होगी अगर इन 10 लोगों ने पिछले 7 दिन में हर घर में मीटिंग की हो, 200 लोगों को प्लान दिखाया हो और प्लान के लास्ट में ये बोला हो कि देखिए जी मेरे को तो इतना ही पता था। ज्यादा जानकारी के लिए डीएवी पब्लिक स्कूल में हमारे सीनियर अपलाइन जो इस बिजनेस को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, बहुत अनुभवी हैं, वो आ रहे हैं चंडीगढ़ से। बाकी प्रश्न आंसर वहीं होगा, आप वहां आइए। हाँ जी, कुछ ना कुछ लोग आएंगे। लॉ ऑफ एवरेज वर्क नेवर फेल। क्यों जी? यस यस। होम मीटिंग जो है वो डुप्लीकेटेबल है। एक नया आदमी कब ट्रेनिंग लेगा, कितनी देर में ट्रेनिंग होगा, यू डोंट नो, यू कांट हेल्प इट। और उस मीटिंग को अगर आप सिंपल सिटी के साथ कंडक्ट करते हैं, सिंपल सिटी के साथ कंडक्ट करते हैं, कोई अपना उसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट शो नहीं करते, कोई अपना चेक वेक नहीं दिखाते, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करते। सिंपल सिटी क्या है कि आप जाएं, थोड़ी सी बात करें कि इस तरह का प्रोडक्ट है, ये कपड़ा मैंने पहना हुआ है, ये चाय पत्ती है, ये ऑयल है, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे खरीदते थे अब ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खरीदने से ये होता है, बाकी इंफॉर्मेशन इस सीडी में है, आप सीडी देखें, सिंपल। हाँ जी, अब उस व्यक्ति ने जिसके यहां मीटिंग हो रही है उसने क्या सीखा कि ज्वाइन किया, कुछ लोगों को बुलाया, मेरी अपलाइन आए, उन्होंने इतनी बात की, सीडी दिखाई, 4 लोग ज्वाइन कर गए। ये चीज वो कल ही किसी के घर में कर सकता है। हेलो, फास्ट ग्रोथ आपका बिजनेस। हमें आदत है बहुत सारा काम खुद करने की, क्योंकि हमें अपने काम के ऊपर बहुत गुमान है कि मैं तो हूं। ऑफकोर्स आप तो पर बी लिटिल बिट स्मार्ट, लोगों को चार्ज दें। एक आदमी को बोर्ड के ऊपर खड़ा करके प्लान दिखाने वाला बनाए, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है कि मैं खड़ा होके बोलूं लोग सुने। हेलो, एक प्लान दिखाने वाला आदमी इस बात से एक्साइटेड होता है कि वो प्लान दिखाता है, लोग सुनते हैं, इसी एक्साइटमेंट में वो 6 महीने बिजनेस नहीं छोड़ता, कितना भी दर्द हो रहा हो। स्पेशल सेशन लें इस चीज के लिए, मेक सम स्पेशल अरेंजमेंट, मेक सम स्पेशल मीटिंग्स फॉर दिस। कोई भी टॉप टारगेट आपकी अपलाइन देती है, ये ख्याली चीजें नहीं है, फंडामेंटली। अभी लुधियाना में एक सेमिनार हो रहा है, आप टारगेट ले सकते हैं 200 लोगों का, लेकिन वो अचीव कैसे होगा? होम मीटिंग टू वीकली मीटिंग, वीकली मीटिंग टू मंथली मीटिंग, मंथली मीटिंग टू बिग इवेंट। एकाएक आपके कहने से इतने सारे लोग आ जाए, जब तक लोगों का व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं होगा कोई आदमी मूव नहीं करता। गॉट इट? आपको 200 लोगों को वहां ले जाना है तो 4 लोगों को एक 15 का लेवल अचीव कराइए ना, उनको होप होगी कि हमें ट्रॉफी मिलेगी तो मैं अपने लोगों के सामने लूं, दे विल ब्रिंग पीपल। और उनको ट्रॉफी कैसे मिलेगी? अगर होम मीटिंग होगी, लोग ज्वाइन करेंगे। वॉट इट? ए बी सी डी, होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग, बिग इवेंट, स्मार्ट वर्क। जितना ज्यादा हमारे पास समय है उतना ज्यादा समय हम बेकार करते हैं, चिंता में लगाते हैं। जिन लोगों का मिजाज अच्छा नहीं रहता, एटीट्यूड अच्छा नहीं रहता, गुस्सीले झगड़ेले आदमी कौन होते हैं? द पीपल हु हैव लॉट मेनी टाइम टू थिंक। बोर्डम इज द कॉज ऑफ बैड एटीट्यूड। घंटों सोचते हैं और शो करते हैं, बहुत बिजी रहते। बेली रन पुराने जोगी। जयपुर में मेरे से किसी ने पूछा कि मैंने बिजनेस शुरू किया, मैं फुल टाइम इसको करना चाहता हूं, मैं कहा ज्वाइन ए जॉब, इमीडिएट पहली एडवाइस है। 8 घंटे कहीं और दिमाग के लो, ये तो काम तो 4 घंटे में हो जाएगा अगर ठीक से इसको प्लान करेंगे तो। बहुत सारे लोग हैं स्मार्ट, और कामयाब लोग जिनके पास कम समय है वही ज्यादा काम करते हैं साहब। जिम्मेवार कामयाब लोग ही नई जिम्मेवारियां लेते हैं। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, वर्ल्ड में उसका एक ही प्रेसिडेंट होता है। उस पोस्ट के लिए जिम्मेवारी किसको मिली? मुकेश अंबानी को। हाँ जी, उसके पास टाइम है? अनिल अंबानी के पास टाइम है 20 किलोमीटर सुबह भागने का? मेरे और आपके पास नहीं है।
अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी पिछले हफ्ते एक कमीशन बनाया जिसको इन्वेस्टमेंट कमीशन का नाम दिया शायद, उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? उसका प्रेसिडेंट बनाया गया रतन टाटा को। टाइम है उसके पास फॉर ए न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला 1 लाख रुपए कमाना मुश्किल है, पहली थोड़ी सी कामयाबी लेना मुश्किल है, उसके बाद तो पर्सनैलिटी एक्सपेंड होती है अपने आप। इसलिए वो पहला 1 लाख पहली कुछ कामयाबी के लिए ही दर्द होता है, क्योंकि अंदर जो है वो सारा फेलियर है, शरीर मन सब फेलियर है। सक्सेसफुल हैबिट्स में ढलने में दर्द होता है, समय लगता है, बहुत सारा समय, जितना ज्यादा समय उतना समय बेकार। प्लान शोज कितने हैं, कितने लोग सिस्टम पे हैं, शाम के 2 घंटे हम किस तरह से बिताते हैं, उसके ऊपर बहुत बहुत कुछ निर्भर करता है। होम मीटिंग ए थंब रूल समटाइम, क्योंकि ये कोर स्टेप्स जो हैं इसमें टोटल रहने का, क्योंकि कब कौन सी अपडेट सुनी उसमें से क्या मिल जाए आपको, यू डोंट नो, आपको नहीं पता। और हम करते करते कब किन अच्छे कामों को करना छोड़ दें हमें पता नहीं चलता। पिछले 4 महीने की अपनी वर्किंग को मैं रीचेक कर रहा हूं कि मैं कहां गलतियां कर रहा हूं, वो मेरे समझ नहीं आ रहा। कम बैक B2B, बेसिक टू बेसिक, जब भूल जाए फिर वहीं से शुरू करें, ABCD से। शो द प्लान, फॉलो अप, 6 बेसिक कोर। होम मीटिंग जो है वो डुप्लीकेटेबल है, कोई भी आदमी कर सकता है। अपने ग्रुप में एक्टिव लोगों की लिस्ट बनाएं, उनको प्लान शोर बनाएं, कोर हो वो, और उनकी हर शाम किसी उस व्यक्ति के घर में जिसने हाल ही में ज्वाइन किया है, किसी नए ज्वाइन किए हुए व्यक्ति के घर में 15 दिन में अगर आप 3 मीटिंग कर देते हैं तो आप उसको अल्टीमेट इंफॉर्मेशन, अल्टीमेट ग्रुप दिला सकते हो। ओवर, वर्क इज ओवर। मे बी वो आदमी इतना एक्साइटेड ना हो, इतना फोकस ना हो, तो उन लोगों में कोई मिल जाएगा जिसके साथ आप काम कर सको। आपको वो व्यक्ति चाहिए जो आपके मुताबिक सुविधाजनक हो। हाँ जी, जिसको आपने ज्वाइन कराया वो नहीं है, उसके आगे हो सकता, उसके आगे हो सकता, उसके आगे हो सकता है। कीप मूविंग। लॉ ऑफ एवरेज, आपने 1000 लोगों को प्लान दिखाना है 2 साल में, आपका बिजनेस जो है वो 40 लाख का हो सकता है। ऐसा कोई अंक आप मान के चलने, आप कामयाब हो सकते हैं मतलब इस बिजनेस में। अब इतने सारे लोग आपकी लिस्ट में नहीं है, कहां से मिलेंगे? अगर आपने 20 लोगों को ज्वाइन करा दिया है तो इस समय आपके पास 2000 लोगों की लिस्ट है, अब उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। होम मीटिंग के लिए कुछ आपकी तैयारी, कुछ आपके कुछ एहतियात हैं जिसको आप बरतें, उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। इनिशियल फंडामेंटल सक्सेस के बाद, और इनिशियल जो सक्सेस है, फंडामेंटल सक्सेस क्या है कि यदि आपने RCM की ड्रेस डालना शुरू कर दिया है, अपने अंदर वार को थोड़ा सा शार्प शाइन करना शुरू कर दिया है, बोर्ड पे आप प्लान दिखा लेते हैं, फोकस्ड रहते हैं, आपके चेहरे के ऊपर कामयाबी के भाव, मेहनत के भाव आने शुरू हो गए, तो क्या है, आप कामयाब हैं। बाकी सब चीजें तो अलंकार है, उन्हें तो फॉलो करना है। आपकी गुडविल यहां से शुरू होती है और लोग आपकी गुडविल को फॉलो करते हैं। पहले इस चीज को अचीव करना है। जिन लोगों को आप इस बिजनेस में कामयाब मानते हैं, क्या उन आपका हुलिया, हालात बाहर से उन जैसे हैं? चेक करें उनकी बातचीत, उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, उनकी भाषा जो है उसके साथ मेल खाती है। उस तरह से आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? उस तरह से फोकस्ड है, उस तरह से एक्साइटेड है, ये पहली कामयाबी है। और इसको करने के लिए कोई 9 महीने के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं है, इट मे टेक 1 मंथ ओनली। उसके बाद आपकी फिजिकल प्रेजेंस ही काफी है, जहां आप हैं वहां बिजनेस है। शायद भागवत में एक दृष्टांत आता है कि भगवान कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे तो छुपा छुपाई का खेल, तो बाल ग्वाल छुप गए, तो पहले कृष्ण की बारी थी उनको ढूंढने की, उन्होंने उनको ढूंढ लिया। अब कृष्ण ने छुपना था और बाल गोपाल जितने थे उन सबको ढूंढना था। अब जब वो छुपे तो सुबह से दोपहर हो गई, मिले नहीं रह गई,
तो उनके प्रिय सखा सधामों का एक आइडिया आया कि तुम इधर घास फूस झाड़ी जंगल में मत ढूंढो, जहां कृष्ण होते हैं वहां बहार होती है। अब चेक करो कहां पानी है, कहां हरियाली है, कहां पक्षी चहचहा रहे हैं, कहां लताएं नाच रही हैं। जहां वो सब है कृष्ण वहां होंगे, उधर जाके ढूंढो। हेलो, वेयर यू आर देयर इज अ बिजनेस। आपकी प्रेजेंस कोई आदमी कैसे जरूरत कर सकता है कि आपसे पूछे कि आपको कितने पैसे आते हैं? आपके चेहरे पे आनंद की ऐसी लहर रहे, पूछने वाला वैसे ही डर जाए, कहीं इतनी ज्यादा ना बता दे कि मेरे को हार्ट अटैक हो जाए। गॉट इट? यहां आपकी गुडविल स्टार्ट होती है और लोग आपकी गुडविल को फॉलो करते हैं। किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट का नहीं पता, ये सुविधा है। अगर आप खुश हैं और बैंक में कुछ नहीं है, दूसरे को पता है, तब भी वो इस बात को नेगेटिव नहीं लेगा। महारानी एलिजाबेथ को कार खरीदनी थी एक बार, तो वो मर्सिडीज के शोरूम में गई इंग्लैंड में। तो जब महारानी किसी शोरूम में आए तो आपको पता कि कैसा होना चाहिए, तो पहले से इंफॉर्मेशन, पहले से सब अलर्ट, रोड साफ, शोरूम को ठीक से सजाया गया, ठीक है, जिस तरह की उनकी पसंद थी उस तरह की गाड़ी निकाल के फर्स्ट क्लास रखी हुई। तो महारानी आई तो उन्होंने जो उनका चॉइस थी जो भी था वो गाड़ी फर्स्ट क्लास तैयार होकर खड़ी थी, मर्सिडीज। तो ट्रायल के लिए जैसे ही व्यक्ति को अंदर बिठाया गया, महारानी खड़ी है, तो जैसे ही कार का सेल्फ लगाया गया तो वो स्टार्ट हुई, थोड़ा सा चली और रुक गई। उसके बाद उसको बड़ी कोशिश की गई, वो स्टार्ट नहीं हुई। तो सब भौचक के, सबकी गुडविल दांव पे लगी हुई है, क्या हुआ? सब डरे हुए हैं कि अब कैसे क्या होगा अब। एनीवे, तो उसको चेक किया गया, तो जब बोनट खोला गया तो देखा कि उस गाड़ी में गलती से वो इंजन रखना ही भूल गए थे। हेलो, तो जो सुपरवाइजर था, जो मेन जिम्मेवार व्यक्ति था उस शोरूम में, उसने महारानी को सॉरी फील किया कि मैम ऐसा रहा कि गलती से हमारे लोग इसमें इंजन रखना भूल गए। तो महारानी ने कहा कि फिर ये वहां से इतनी जो चली है ये कैसे चल गई? कंपनी के ओनर भी वहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैम आपके आशीर्वाद से इतनी तो अब ये हमारी गुडविल से ही चल जाती है। गुडविल पेस। आप प्रयास करते हैं, लोग नहीं मानते, लोगों को वहम है कि ये चलता नहीं, आप भी छोड़ दोगे। आप अगर प्रयास करते हैं, आपका विश्वास, आपका बिलीफ जो है वो लोगों का विश्वास बढ़ाएगा कि यदि ये लगा हुआ है, यदि ये 7 से 9 टीवी नहीं देखता, यदि ये 7 से 9 चौराहे में नहीं मिलता, यदि 7 से 9 में उस क्रियाकलाप और कार्यक्रम में नहीं होता जहां ये 20 साल से था, इट मीन कुछ ना कुछ है। हेलो, ये मैसेज लोगों तक जाने में 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। आपकी गुडविल आप तक लौट के आएगी, बेशर्ता कि जब वो लौट के आए तो आप अपना ट्रैक ना चेंज कर चुके हों। गॉट इट? विद गॉड्स ब्लेस, व्हाट्सएप ने मेरे पे एहसान किया जो मेरे को ये बिजनेस दिया। बहुत एक्टिव सपोर्ट मेरे को मिली मुकेश जी की, बागचंद जी छावड़ा, कैलाश जी, तिलोक जी का मार्गदर्शन, और मैं बहुत विनीत हूं, कृतार्थ हूं उन सारे हाल हालात के लिए जो कारण और कारक है कि मैंने ये किया। और शुरू में ऐसा नहीं था कि सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि आइए बहुत बढ़िया बिजनेस है चलो, ऐसा नहीं हुआ। और यदि कोई आदमी फास्ट ग्रोथ का, यदि आपको लगता है कि मैंने जल्दी से किया, यदि आपको लगता है कि मैंने स्मार्ट काम किया, तो होम मीटिंग का आधार मैं लेके चला, होम मीटिंग का।
जब जब भी मैंने उसको शिद्दत के साथ कंटिन्यू रखा तो मेरा बिजनेस बढ़ा, जब भी मैं उस लेवल पे आके अलसाया तो मेरे रिजल्ट जो है वो 80% तक कम हो गए, 2 और 2 4। और मेरा इस बिजनेस में आना भी एक कहानी है गुडविल की। वह साहब ने मेरे को एक्सपोजर दिया 3 साल पहले, 1 साल मैं बिजी रहा, फिर मेरे को दूसरे आदमी ने एक्सपोजर दिया इस बिजनेस का, मैं उनके पास गया। अगर तब उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया होता हेलो, तो मैं उनको साइन नहीं करता। मैं 2 साल से 1 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्रेक आपको नहीं मिला। ऑफ कोर्स अगर आपकी गुडविल मार्केट में है कि आप सेम काम कर रहे हैं उसमें, जितना भी है प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर सक्सेस पुती हुई है, लोग आपको कामयाब मानते हैं, चेक नहीं देखते, ठीक, तो कोई ना कोई आदमी पागल आपको ढूंढ रहा है जो आपको साइन करेगा, 90 दिन में रॉयल्टी भेजाएगा, 6 महीने में टेक्निकल भेजाएगा और 2 साल में 60 लाख का बिजनेस खड़ा करेगा और सतीश पंडित जैसा हो सकता है वो। यू मे गॉट इट। दो लोग, कितने लोगों को ज्वाइन कराया? 20 लोगों को, 50 लोगों को। आई एम ए सिंगल वन पर्सन फॉर मिस्टर सुरेंद्र, बस एक आदमी हूं मैं। मेरे जैसे आदमी तो अभी मिलने शुरू हुए हैं साहब, अभी तो शुरुआत हुई है। जिस व्यक्ति ने आरसीएम बिजनेस में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाना है, उसने अभी आरसीएम बिजनेस साइन नहीं किया, मैं आपको बता दूं, ढूंढ लो उसको, नहीं तो गुड़ा ढूंढ लेगा। आई एश्योर यू, हमें लगता कि हम 30 मार खाए, हम पहले आगे तो पता नहीं क्या कर लिया, बहुत बड़े हैं, क्योंकि लोगों ने मुद्दतों से जज्बात को मारा हुआ है, सबके अंदर आग धधक रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। दिस इज अ राइट वे टू एक्सपोज दैट फायर, फायर इट, यस, यस। होम मीटिंग, मैं किसी टाउन में फंडामेंटली जब मैंने ग्राउंड वर्क किया, मैं 4 दिन रहा, दिन में मैंने कुछ भी किया हो, रात में किसी ड्राइंग रूम में था, सीढ़ी लगाएं, देखें, ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हूं, वो बीच में बोले वाला 40 मिनट की सीढ़ी में पता नहीं कब वो टाइम आएगा जब एक ड्रॉप उसके अंदर गिरेगा यहां तक और पेट्रोल के ऊपर आग का काम करेगा और आदमी खड़ा हो जाएगा उठ के। होम मीटिंग में आप थोड़ा कुछ एहतियात रखें, जिसके यहां मीटिंग होनी है कोशिश करें कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट व्यक्ति वो यूज कर चुका हो, क्योंकि जब वो उसके गेस्ट यहां आएंगे तो वो पूछेंगे तो वो बता सके कि मैंने चाय पी थी, बहुत अच्छी है, मैंने यू नो ब्ला 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 ब्ला, उसके व्यक्तिगत अनुभव हो और फिजिकली प्रोडक्ट वहां हाजिर हो, टेंजिबल, लोगों को छू के विश्वास होता है। कोशिश करें इस बीच उसने सीडी देख ली हो, उसने एक मीटिंग अटेंड कर ली हो, उसने 2 टेप सुन ली, ऐसी कुछ प्रोग्रेस, ताकि वो इंटेलिजेंटली थोड़ा उसकी जो मेंटल एटीट्यूड और उसकी जो इंटेलिजेंस है उसमें जरा सी कॉमन सेंस, जो का क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये थोड़ी बात वो समझ सके, अगर पॉसिबल हो तो ऐसा कर सके तो करें होम मीटिंग से पहले। मीटिंग के अंदर आप किसी घर में मीटिंग कर रहे हैं, वैसे तो ये लॉ हर जगह है, बोर्ड कहां लगेगा? ऑपोजिट द डोर, दरवाजा उधर है तो बोर्ड सामने वाली दीवार पे होना चाहिए, क्योंकि जब 6-8 लोग आ जाएं, 7वां जो व्यक्ति आए वो पीछे आके बैठ जाए। अगर बोर्ड हम सामने लगाएंगे दरवाजे की तरफ, जो भी आएगा तो आदमी का स्वभाव है वो उस नए चेहरे को ज्यादा देखता है, और जब ऐसी बात होती है तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, पता नहीं कब वो वक्त आने वाला था और उसका ध्यान कहीं और हो गया। बड़ी मीटिंग्स में भी होता है समटाइम, हॉल ऐसे है इधर पैरेलल बोर्ड लगा देंगे, मीटिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं, जैसी बात होती है लोग इधर देखते हैं, ना तो बोलने वाला अच्छे से बोल सकता है ना सुनने वाले अच्छे से ग्रहण कर सकते। किसी के घर में मीटिंग है, ड्रॉइंग रूम में पहले से चेयर अरेंज करके ना रखें। एक्सपेक्टेड 10 लोग आने वाले हैं तो आप 10 चेयर ऐसे लगा देंगे तो जो भी आदमी पहले आएगा उसको आते ही वैम हो जाएगा, अच्छा आप ये बिठा के कुछ सिखाएंगे मेरे को, कोई एमएलएम होगी, क्योंकि जो पिक्चर हम पहले से बना लेते हैं उसको फेड करना काफी कठिन होता है।
कैजुअली सब रहने दें, जब सब लोग आ रहे हैं तब बोले कि चलिए आज कुछ बात करते हैं, आप इधर आ जाए, ये चेयर यहां रख लें, तभी। अगर मीटिंग आपने लेनी है जाके तो आप टाइम पे पहुंचे। अगर कुछ गेस्ट पहले से बैठे हैं तो उनके साथ अपना उनका प्रोफेशन शेयर करें, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ बातचीत, माहौल को लाइट रखें, उनके साथ अपना तब बनाएं। अगर आप पहले गए हैं, चार लोग बैठे हैं, आपको पता है कि ये टीचर है, ये वकील है, ये बिजनेसमैन है, तो जब आप बात करेंगे तो आप उनके प्रोफेशन से कोई एग्जांपल उठाएंगे तो खड़क से उसका असर होगा। हेलो, बैठे हुए लोगों को आप अगर थोड़ा सा जानते हैं पहले से, तो आप जो बोलने वाले हैं उसका असर बढ़ जाएगा। और आप ऐसे हुलिये हालात से जाए, ठीक, कि आप जब बोलें तो लोग सुने। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है कि लोग अपने से अच्छे लोगों को सुनना पसंद करते हैं। तो पहली अपीयरेंस तो बाहर से है। आज एक पैकेट है जिसमें आलू तो हैं 20 पैसे के, और उसके ऊपर जो उसका हुलिया है उसके ऊपर खर्चा है 2 रुपए का। इस बात से नहीं समझते कि पैकेजिंग का जमाना है, तो वाई डोंट वी चेंज आवर पैकेजिंग। हाँ जी, जो दिखता है वो बिकता है। यस यस, तू जो मेरे स्वर में स्वर मिला दे तो जिंदगी हो जाए अमर। आपको इस बिजनेस का बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ये कोई बहादुरी नहीं है कि मीटिंग के बाद 10 लोगों में, होम मीटिंग में स्पेशल, आप क्वेश्चन इनवाइट करें। कभी कभी ये बहुत रिस्की और महंगा हो सकता है, वैसे तो किसी भी मीटिंग में। पीपल फॉलो द पीयर प्रेशर, लोगों की एक मानसिकता है, ये लोगों का बिजनेस है। अब जैसे ही आप बात शुरू करेंगे तो कोहताल होता है लोगों में, बीच में सवाल आएंगे, लोग आपकी बात सुन लें। अगर उससे पहले आप सीढ़ी दिखा देंगे तो ये तय है कि 8 मिनट में आपकी बात हो जाएगी, चूं नहीं करेगा कोई आदमी। सीढ़ी दिखा के प्लान दिखाने का मतलब है कि ऑपरेशन करने से पहले नींद का इंजेक्शन लगाना। क्यों? क्योंकि उसके सवाल नेगेटिविटी क्या है, सवाल क्या है, कंपनी है कि नहीं है, कोई कमाता भी है, मिल है कि क्या है। एक सीडी के अंदर मिल है, प्रोडक्ट है, लोग हैं, सक्सेस है, मेजॉरिटी है, 100,000 ऑफ द थिंग्स। अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, किसी से भी रिलेट करके वो पॉजिटिव हो जाएगा। और शुरू करने से पहले निवेदन करें कि मैं ये बातचीत करने जा रहा हूं, 8-10 मिनट की बात है, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे, मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि जो भी प्रश्न है आप नोट कर लें, बाद में हम इस पे बात करेंगे। होल्ड रखें प्रश्नों को। और मीटिंग खत्म करने के बाद भी 10 लोगों को आप यहां से संबोधन ना करें, हाँ जी क्या सवाल, मैं जवाब। क्यों? पीयर प्रेशर कैसे वर्क करता है? मान लीजिए एक होम मीटिंग है, उसी कॉलोनी के 10 लोग बैठे, आम लोग, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसको सभी लोग हरफन मौला मानते हैं, धुरंधर बिजनेसमैन, ठीक। मान लीजिए उसका एक प्रश्न जो है वो ऐसा है जिसका जवाब आप नहीं दे सके, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब आप दे नहीं सकते, क्यों जी? आप मुझसे पूछें कि ये उंगली बड़ी होती है, ये सिद्ध करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड दोनों उंगली में ऐसे खड़ी करूंगा, हेलो, ठीक। आप मेरे से पूछे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से क्या बनता है पानी, यह सिद्ध करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे, किसी लैब में जाना पड़ेगा। हेलो, कोई आदमी यह पूछे कि धरती घूमती है, इसको सिद्ध करने के लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। और उस व्यक्ति को तुरंत जवाब चाहिए जो आपके पास नहीं होगा, गॉट इट? और पीयर प्रेशर क्या होता है कि जिस
व्यक्ति को वो समूह खास मानता है, जो वो बोलेगा वो उसी को फॉलो करेंगे, सारी मीटिंग चौपट हो जाएगी आपकी। पीयर प्रेशर। दैट्स व्हाई मीटिंग खत्म करने के तुरंत बाद खड़े होने के लिए बोले, उन्हें बोले कि आइए बाहर बैठ के बात करते हैं, यहां कुछ सफोकेशन है, यहां कुछ अंधेरा, कुछ भी, टेल देम टू गेट अप। जिस व्यक्ति का प्रश्न है उसके साथ वन ऑन वन बात करें। अगर किसी घर में कोई पुरान डिस्ट्रीब्यूटर है तो नेचुरली क्या होगा कि चार एक्टिव लोगों ने 20 लोगों को बुलाया है, तो तीन लोगों के सवाल है, एक एक व्यक्ति को एक एक आदमी आंसर दे सकता है। पर्सनलाइज इट। ज्ञान जी ने जिस तरह से जिस टॉपिक पे बात की, क्योंकि सीनियर लीडरशिप यहां है, नो प्रॉब्लम, बट इन जनरल मीटिंग, इन होम मीटिंग्स, इट इज कैंसर। टेल देम जस्ट होल्ड ऑन, वो तजुर्बे से आएगा। बहुत ज्यादा बार आप शातिर बन के, चतुर बन के, होशियार बन के हैंडल नहीं कर सकते। आप पूछिए मेरे से प्रश्न, मेरा जवाब क्या आगे, देखिए सर ये तो पहली बार आपने पूछा, ये प्रश्न तो 2 साल के करियर में आया नहीं। सच ए इंटेलिजेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। मैं व्हाट्सएप से पूछूंगा, नेक्स्ट टाइम आपको जरूर बता दूंगा। आदमी की गुदगुदी होगी ना कि मैंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, चुप्पी तो कराना है। सुबह सूरज जी ने पूछा, सॉरी, कि टेक्निकल बोनस कैसे होता है, 2% कितने पे, 3.75, 3.4। आई स्वेयर आई डोंट नो, मेरे को अभी तक नहीं पता। 2% का पता है क्योंकि 2 पे हूं, और इस महीने 3 का पता चल जाएगा क्योंकि 3 पे पहुंच गया हूं। 4 पे चल जाऊंगा तो 4 का पता चल जाएगा। क्या जल्दी है, इतनी सारी जानकारी का क्या करेंगे यार। और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने वाली चीज है। अगर आप कहेंगे जी मेरे को नहीं पता, पॉजिटिव आदमी के दिमाग में तो ये भी आएगा कि कितना सिंपल आदमी है यार, उसके दिमाग में ये भी आएगा, अच्छा अगर इसको नहीं पता फिर मेरे को तो बहुत कुछ पता, नो प्रॉब्लम, चलो। गॉट इट? यस। सीमित, इस बात से कतई आप घबराए नहीं, अपने हुलिये से, अपने अंदाज से, अपने तजुर्बे से अपने आप को कम ना आके। इस इंडस्ट्री में सामने जो लोग बैठते हैं चेयर्स के ऊपर, जहां जिनसे आप बात करते हैं, उनमें केवल 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव आपका पार्ट ही नहीं है। जो पॉजिटिव है वो हर लिहाज में पॉजिटिव रहेगा। मैं पहली जिस मीटिंग में गया था, मैं पॉजिटिव था इसलिए मैं रहा इसमें। हेलो, जिंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा करना है तो राजहंस बन जाए। राजहंस की खासियत क्या होती है, दूध और पानी मिला के उसको दे दो, वो चोंच डालेगा, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। आपके सामने 2 तरह के लोग होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप एक एग्जांपल से समझे, देखिए सपोज मैं यहां एक, आप बैठे हैं, मैं एक मीटिंग के लिए यहां आया, मैं 2 तरह से यहां अपीयर हो सकता हूं। एक कि मेरा हुलिया बहुत चुस्त दुरुस्त हो, शू पॉलिश, शेप बनी हुई फर्स्ट क्लास, मेरी टोन भी अच्छी, मेरी बात भी अच्छी, शब्दावली भी अच्छी, ठीक है, सब चीजें, सारी टर्मिनोलॉजी, सारी लैंग्वेज, एवरीथिंग इज ओके, ठीक। अब 2 तरह के लोग हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव आदमी ये सोचेगा, क्योंकि बोलेगा कौन, जिसके बारे में आप बोलेंगे कि वो कामयाब है, क्यों जी? ऐसे बोलेंगे ना, इस यही बोल के तुम लोगों को बुलाएंगे। मैं यहां आऊंगा तो एक कामयाब पर्सन की हैसियत से आएंगे, आऊंगा आपके यहां जो भी व्यक्ति मीटिंग करने आएगा, बेशक वो होम मीटिंग हो, तो आप एडिफाई क्या करेंगे कि वो एक कामयाब आदमी है। और जो सामने बैठे हैं 2 तरह के लोग हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं ठीक हुए हालात से आया तो पॉजिटिव आदमी के ऊपर क्या असर होगा कि ऐसा बनना है। हेलो, ठीक। अगर आपने एडवाइस तो किया और बाय चांस मैं उस हुलिया हालात से नहीं आया, जो बंदा मीटिंग करने आ रहा उसके हुलिया, उसका हुलिया ढील डाल, सब चीजें वैसी नहीं है जैसी आप अपेक्षा करते हैं, ठीक है, बाल बिखरे हुए हैं, उजड़ा चमन,
सुस्ताया चेहरा, अपीयरेंस अच्छी नहीं है, शब्दावली अच्छी नहीं है, नॉलेज ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक एनीवे। लेकिन अब वो जो काम, वो बात कैसे कर रहा है, एज ए सक्सेसफुल पर्सन, और जो पॉजिटिव आदमी होगा, पहली बार उसने क्या सोच, एक अच्छे आदमी, स्मार्ट आदमी को देखे क्या विचार आया कि ऐसा बनना है, ठीक। अब पॉजिटिव आदमी एक गलत आदमी को देख के क्या सोचेगा कि यदि ये मूर्ख दिखने वाला आदमी इतना अच्छा कर सकता है, मैं तो 10 गुना ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। वाओ, यू नीड पॉजिटिव पीपल। और किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चीज को हैंडल करने का, ऑलवेज रिमेंबर दिस, एवरी क्वेश्चन नेवर नीड ए आंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम ए क्वेश्चन नीड एन अदर क्वेश्चन। आप मेरे से पूछें प्रश्न कि आप कितने कमा रहे हैं, मेरा जवाब यह है कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं 500 से लेके 1-1.5 लाख रुपए तक, और उसके ऊपर जाए तो 4 लाख रुपए तक कमा रहे हैं लोग। आप भी मेरे को बताइए कि इतना अच्छा कंसेप्ट है, आप कितना कमाना चाहते हैं। अब प्रश्न उसके पास चला गया। और सेकंड, एक थम रूल आप लेके जाए, एक शीट लेके जाए। आप ज्ञान से नहीं हरा सकते किसी को, ज्ञान जी बहुत बिजी रहते हैं, हर वक्त अवेलेबल नहीं होंगे। आप सादगी से हरा सकते हैं। एक आप हथियार इस्तेमाल करें, उसका नाम है बड़ा सिंपल, उसका इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। बताऊं क्या है? मुझे नहीं पता। हेलो, ये कहते हुए बड़ा जोर लगता है कि आदमी समझेगा इसे नहीं पता। ये आपको बहुत बार बचाएगा, मुझे नहीं पता। ये बात मेरे अनुभव में नहीं आई थी अभी तक, मैं पूछूंगा, पूछ के आपको बता दूंगा। क्योंकि लोगों को कंप्यूटर क्या चेक करता है कि आपने कितने लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए, ये चेक करके इनकम देता है। वो चेक करता है कि कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ। Got it? आपकी एक दुकान है जिसपे आप आम बेचते हैं, आम, आम समझते हैं? मैंगो। और जो जिस ब्रांड का, ब्रांड तो नहीं कहूंगा, जिस क्वालिटी का आप आम बेचते हैं, सीजन चल रहा है, वो है सफेदा। और 20 पेटियां खुली पड़ी हैं, 50 पेटियां अंदर रखी हैं, 5000 पेटियां गोडाउन में पड़ी हैं, और आप बिल्कुल बैठे जो है एक के ऊपर एक ग्राहक चढ़ा हुआ, वो कहता पहले मेरे को दो, दूसरा कहता ग्राहक पहले मेरे को दो, तीसरा कहता कि मैंने तो परसों के पैसे भिजवाए हैं, पहले मेरे को दो। ये चल रहा आपके साथ। और बीच में एक व्यक्ति आए, वो पूछे कि ये कौन सा आम है? आपके सफेदा है ना, ये तो लगड़ा है। नहीं, आपने नहीं सफेदा है। आप मुझे मुझे बताइए कि अगर आप अक्लमंद व्यापारी हैं तो आप उसको कन्विंस करने में समय नष्ट करेंगे कि ये सफेदा है या ये लगड़ा है? आप उसको कहें भाई तेरे को जो दिखता है वही है, लेट मी वर्क। एक व्यक्ति आपके 2 घंटे लेना चाह रहा है, तो उसे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि भाई साहब ऐसा है कि मैं आपकी इस बात पे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं बिजी हूं और मैं लौट के आऊंगा, और कभी लौट के मत जाना। हेलो, गो फॉर द पीपल हु आर एक्साइटेड, पॉजिटिव, जो आपकी वेट कर रहे हैं, उनको टाइम दे। आपको 10,000 लोगों का नेटवर्क चाहिए, 10,000 एक्टिव, नॉन एक्टिव मिला के नेटवर्क चाहिए कि आप इस बिजनेस से 1 लाख रुपया महीना ले सके। स्मार्ट सुधारक मत बने, फोकस अपॉन योर गोल। अच्छी से अच्छी चीज के लिए भी सब राजी हो गए क्या? कितने लोग सैर करते हैं सुबह, कितने लोग मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, सबको पता है? जयराम जी की ऐसे खुन्नस है हमें, हमें जो अपने आप पे गुमान है, बल्कि बदगुमानी मैं कहूंगा, कि हम लोगों को समझा सकते हैं, हम लोगों को बदल सकते हैं, ये गलत फहमी है। कृष्ण, नानक, गौतम, ईसा, मोहम्मद, सबको फेल कर दिया दुनिया में, किया कि नहीं किया? हेलो,
उनकी बात को सब लोग मान लेते तो दुनिया बड़ी अच्छी होती। उनके पास बहुत अच्छी बात थी पर सबने नहीं मानी। आपके पास बहुत अच्छी बात है पर सब नहीं मानेंगे। फोकस अपॉन योर गोल। क्या करने से क्या होगा ये जानना जरूरी है। प्रश्न तो दूसरे तो क्या, अपने ही प्रश्न इतने हैं कि आदमी आंसर नहीं कर सकता। एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग। सेंसिटिव पॉइंट क्या है, बी कोर टीच कोर। फंडामेंटली चीज क्या है, एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या है, मार्केट प्लान। उसको अगर ब्लेंडेड कर दें सीडी के साथ, इट विल ब्रिंग रिजल्ट लाइक एनीथिंग। रिजल्ट कैसा, मैं भी क्या कहा, रिजल्ट। आपने क्या किया और आखिर में क्या निकला, इससे सारी कामयाबी, इससे आपकी इनकम, इसी पे सब चीज निर्भर करती है। तो हमारा फोकस इस पक्ष में होना चाहिए। आप इस तरह से लेके चले, बहुत सारे लोग हैं आपके पास। एक उदाहरण आप ये ले, सपोज करिए कि मान लीजिए चाइना की जो आर्मी है उन्होंने इंडिया में जो बाटा कंपनी का जो फैक्ट्री है यहां पे, बाटा को उन्होंने ऑर्डर दिया कि हमें अपने जवानों के लिए 2000 शूज चाहिए, लेकिन सारे 8 नंबर के होने चाहिए, ठीक। और इधर से कंसाइनमेंट गई, लेकिन किसी कारण से कंसाइनमेंट वहां 2 दिन लेट पहुंची और उन्होंने लेने से रिफ्यूज कर दिया और वो कंसाइनमेंट लौट के आ गई वापस इंडिया में। और आपको इस नियम का पता हो कि जो भी चीज एक्सपोर्ट के लिए चले जाए और एक हफ्ते में भी वापस आ जाए वो हमेशा सेकेंड लॉट में ट्रीट होती है, गॉट इट। और उसकी नीलामी हुई और आप व्यापारी हैं और आपने वो लॉट खरीदा, क्या 2000 पेयर बाटा शूज कंपनी, प्रिंट रेट उसके ऊपर है 995.95 रुपए। आपने लॉट खरीदा, आपको एक पेयर पड़ा 50 रुपए में। और अच्छा व्यापारी तो अपने आप को वही बहुत धनी मानता है जो डबल कर ले। आप अपने शहर में ले आए उसको और आपने रेट निकाला 100 रुपए और आपके शहर में सबको पता है कि नया जूता है 995.95 रुपए का शोरूम में मिलता है, यहां सिर्फ 100 रुपए का मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके एरिया में 8 नंबर का जूता डालने वाले लोग हैं 50, 100। तो यहां स्मार्ट वर्क क्या है, आपने बहुत जल्दी 2000 पेयर बेचने हैं 8 नंबर के। आप बहुत सारे लोगों में जाएं जिनका पैर का साइज 8 नंबर का हो, लेकिन हम और आप क्या करते हैं कि जिसको 7 नंबर का पैर है उसको कहते हैं कि वेट कर, तेरा 8 नंबर का हो जाएगा तब पहन लियो, मेरे साथ रहे। जिसका 9 नंबर का पैर उसको कहते हैं थोड़ा घिसा क्या डल जाएगा, कोई बात नहीं। इस बिजनेस को लोगों की मानसिकता के मुताबिक फिट करने की कोशिश ना करें, उन लोगों के पास ले जाएं जिनको ये सूट करता है और उन लोगों की भरमार है यहां। 80% पीपल आर देयर इन इंडिया आज के बिजनेस जिनके लिए वरदान है, नेमत है, नियामत है। और प्रश्न उत्तर, इफ बट किंतु परंतु, यहां वहां ऐसे वैसे, इसका कोई भी इलाज नहीं है। किसी के प्रश्न का जो सही उत्तर है, सही व्यक्ति, सही जगह, सही माहौल उसको शांत कर सकता है, आप नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो गई। एक गांव में एक व्यक्ति था जो नेत्रहीन था। नेत्रहीन जो व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि जो है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि देखने से बहुत सारी एनर्जी का लॉस होता है। तो जो देखेगा नहीं वो मैक्सिमम चीजों को असेस करेगा, सोचेगा, तो दिमाग उसका एक्स्ट्रा नहीं चलता है, शारीरिक जोर भी उसमें ज्यादा होता है, अंधा जोर इसीलिए मुहावरा बना है।
तो वो उस गांव में पिछले 25 साल से लोगों के साथ रोज बातचीत होती थी, बहस होती थी, तर्क वितर्क होता था। किस बात पे? लोग कहते थे कि प्रकाश है, वो क्या कहता था? अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। 25 साल बीत गए और समटाइम कोई चीज गलत भी हो, जब आप पूरे विश्वास से बोलते हैं, वो व्यक्ति इतना प्रवीण हो गया तर्क वितर्क में, वो नेत्रहीन व्यक्ति समटाइम वो इतने तार्किक ढंग से कहता कि प्रकाश नहीं है, जो आंखों वाले थे उनको भी वहम हो जाता कि चेक कर लो सच में वो रोशनी है क्या। समटाइम वो उसको हरा देते। तो ये बहुत पचीदा मसला था उस गांव का, समाधान नहीं मिल रहा था इसका। तो एक बार ऐसा हुआ कि गांव के पास जंगल में किसी महात्मा ने अपना आश्रम बनाया, समाधस्थ हुए वो वहां पे। तो लोगों को लगा कि ये कुछ पहुंचे हुए, ये महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है स्टोरी, महात्मा बुद्ध थे। तो उनको लगा कि शायद ये जो योगी पुरुष है, शायद ये इसका आंसर कर दे। तो वो सब इकट्ठे हो गए गांव के लोग, उस व्यक्ति को लेके वहां गए, ये सोच के कि आज 6-8 घंटे का मनोरंजन होगा, तर्क वितर्क कुतर्क सारे बहुत सारी बहस बयान होंगे, बड़ा मजा आएगा, और वो महात्मा देखो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं इस बात का। तो बुद्ध समाधि में थे, उनको जगाया गया, उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा हमारा मसला है, हम कहते हैं कि प्रकाश है और ये व्यक्ति कहता है प्रकाश नहीं है, ये नेत्रहीन है। बुद्ध ने अपने मुखवाक से केवल एक शब्द बोला, इसको वैद्य के पास ले जाओ। क्या बोला? इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। लोगों ने बात मान तो ली पर तिलमिलाए बहुत कि ये कोई जवाब हुआ, क्योंकि वो तो तर्क वितर्क जाते थे। लेकिन उन्होंने गलती से ऐसा कर लिया, वो पहली बार उसको आंखों के वैद्य के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। जैसे वहां पहुंचा, वैद्य ने उसकी आंखें देखी और दो बूंदे एक इधर एक उधर आंख में टपकाई और उसको दिखना शुरू हो गया, और वो लौट के फिर बुद्ध के पास आए। वो नेत्रहीन व्यक्ति ये बोलता है कि महाराज, 25 साल से ये लोग मेरे साथ केवल बहस कर रहे हैं, तर्क कुतर्क वितर्क, इन्होंने 25 साल में ये काम नहीं किया जो आपके कहने पर हुआ आज। अगर ये काम ये 25 साल पहले किया होता तो मैं 25 साल से एक तो इस रोशन जहां को एंजॉय कर रहा होता, और दूसरा मैं अब तक अंधेरे का प्रचार नहीं कर रहा होता। तो क्रक्स ये है, जो लोग कहते हैं कि अंधेरा है, जो लोग कहते हैं कि नहीं चलता, उनके साथ बहस मत करो, उनको वैद्य के पास ले जाओ। 2 जनवरी के फंक्शन में हिंदुस्तान के माने हुए टॉप ब्रास डॉक्टर आरसीएम के करनाल में इकट्ठे होने वाले हैं, और 30 जनवरी को लुधियाना में। उन डॉक्टरों के पास उन अंधों के ले आओ, उनकी आंखें खुल जाएंगी। थैंक यू, फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग प्राउड टू बी ए लिटिल पार्ट ऑफ योर ग्रेट लाइफ। God bless you. I'll be with you. Thank you very much.